नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है 31, 31 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट, इसमें से कौन सी डिराइव्ड यूनिट है। अब यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट नहीं पूछा है, ठीक है फ्रेंड, इसमें अब डिराइव्ड यूनिट पूछ रहा है, तो इसमें ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए दिया है मास, ऑप्शन बी लेंथ, ऑप्शन सी टाइम और ऑप्शन डी वेलोसिटी। आपने अगर स्टार्टिंग से देख रहे होंगे बिना स्किप किए तो आपको इसमें आराम से आपने लगा भी लिया होगा, जो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, वेलोसिटी जो है डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि इसमें मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है, और ये लेंथ टाइम और मास सब फंडामेंटल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 है, वो बोला एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एटॉमिक बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन सी न्यूक्लियर ट्रांजिशन और ऑप्शन डी जो दिया है रेडियो एमिशन। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूक्लियर फिजन। बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं फिजन होगा कि फ्यूजन होगा। फिजन में क्या होता है कि दो पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं, जब जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, तो जब जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, यही न्यूक्लियर फिजन होता है आपके सन में भी। तो जब दो पार्टिकल जुड़ जाते हैं तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, तो वही एनर्जी हम लोगों तक आती है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फिजन माने जुड़ना, फ्यूजन माने टूटना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अ वेटलेस रबर बैलून हैज़ 100 ग्राम ऑफ वाटर इन इट, इट्स वेट इन वाटर विल बी, कह कि एक रबर का बैलून है, उसमें अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर भर देते हैं तो कि वाटर में, पानी में उसका वेट क्या होगा। ऑप्शन ए 100 ग्राम, ऑप्शन बी 200 ग्राम, ऑप्शन सी 50 ग्राम या ऑप्शन डी 0। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इफ़ अ फोर्स एफ एक्शन ऑन अ मास एम प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ए, देन एज पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन ए एफ इजकल्स टू एम ए, ऑप्शन बी एफ इजकल्स टू ए अपॉन एम, ऑप्शन सी एम एफ इजकल्स टू एम अपॉन ए और ऑप्शन डी एम इजकल्स टू एफ। मुझे तो लगता है कि ये सबसे आसान सवाल होगा इस पूरे सेट में, शायद आप लोगों ने कर भी लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एफ इजकल्स टू एम, ये फॉर्मूला ही होता है, फोर्स इजकल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 35 द थ्री कैपेसिटर्स हुज कैपेसिटेंस आर 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, ऑप्शन ए 2/5 माइक्रोफेराड, ऑप्शन बी 3/5 माइक्रोफेराड, ऑप्शन सी 1/3 माइक्रोफेराड या ऑप्शन डी 1/5 माइक्रोफेराड। जैसे आप लोगों ने सब, आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है अगर सीरीज़ में लगा होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना होता तो कैसे निकालेंगे, या फिर पैरेलल में लगा हो तो, वैसे ही कैपेसिटर है, लेकिन यहाँ पे जो सीरीज़ में लगा है कैपेसिटर उसको जब निकालना होगा उसका इक्विवेलेंट, तो उसको ऐसे निकालते हैं 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऐसे सीरीज़ में जो है इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 6, और यहाँ पे 6 + 3 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10/6 और हो जाएगा 5/3। लेकिन ये तो 1/C है ना, जब इसको ऊपर पलट देंगे तो आपको सी मिल जाएगा, तो हो जाएगा 3/5। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है वो हो जाएगी माइक्रोफेराड, तो इसमें ये जो ऑप्शन आपको बी में दिया हुआ है तो आपका बी जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 36 द अल्टरनेटिंग करंट इन LCR सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन, अल्टरनेटिंग जो करंट है LCR सर्किट में वो मैक्सिमम होगी कब, जब आपको ऑप्शन ए दिया है XL = 0 या फिर ऑप्शन बी XC = 0 या फिर ऑप्शन सी XL = XC या फिर ऑप्शन डी XL² + XC² = 1। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि LCR सर्किट जो होता है, थोड़ा सा बता दूं आपको तो बहुत आगे शायद आपको बहुत फ़ायदा मिले इसका, ये आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे L होता है और यहाँ पे C होता है, ऊपर क्या होता है कैपेसिटर, यहाँ इंडक्टेंस और ये होता है रेजिस्टेंस। अब मैं आपको बता दूँ जो LCR सर्किट होता है उसमें जो है अल्टरनेटिंग करंट मैक्सिमम कब होगी,
करंट करंट की बात कर रहा है ना, वी इक्वल्स टू आई आर, आपको फॉर्मूला पता होगा, सिंपल सी बात कर लेते हैं, वी इक्वल्स टू आई आर, आई आई यहाँ पे करंट की बात कर रहा है, तो मतलब कि आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर हो गया, नीचे रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। एलसीआर सर्किट के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस नीचे है ना, तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब वही ना, अपॉन में वैल्यू जितनी कम होगी ऊपर वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, ये जो एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस होता है उसको जेड से डिनोट करते हैं, वी अपॉन जेड, तो यहाँ पे होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्ससी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर होता है, तो एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तो नीचे आर ही बचेगा, तो जितना छोटा कर दोगे उतना ही तो ज़्यादा करंट बहेगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, ठीक है फ्रेंड, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टाइम पीरियड में इंजॉय भी करते होंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट लगा के, कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाती होगी, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगता होगा वीडियो, तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 37 द एफिशिएंसी ऑफ ए कारनॉट इंजन वर्किंग बी बिटवीन द स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट इज, ठीक है, एफिशिएंसी बतानी है इसमें, जो ऑप्शन दिए ऑप्शन ए 28.8%, ऑप्शन बी 27.8% और ऑप्शन सी है 26.8% और ऑप्शन डी दिया है 23.8%, ठीक है। कारनॉट इंजन की जो है आपको वर्किंग एफिशिएंसी बतानी है जो स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट के बीच में चलती है, तो सबसे सिंपल है आपको मैं बता देता हूँ, कारनॉट होता है इसको नीटा बोलते हैं, नीटा से डिनोट करते हैं नीटा, और हम लोगों को एफिशिएंसी बतानी, तो 1 - T1/T2 आपका फॉर्मूला होता है इसका, कारनॉट इंजन का ये टेम्परेचर है, ठीक है। ऐसे ही 1 - Q1/Q2 भी होता है, जो कि आपका उसका होता है हीट का होता है, अगर हीट गिवन हो तो, यहाँ पे हम लोगों को स्टीम पॉइंट बोल रहा है तो हम लोग वाटर का लेके चल रहे हैं ना, वाटर स्टीम वाटर में ही होता है, तो इसलिए वाटर का हम लोगों को ईजिली मालूम भी होता है। 1 - T1 क्या होता है, T1 हो जाएगा आपका 0 जो कि 273 केल्विन में हम लोग लेते हैं, तो इसलिए 0 को हम लोग 273 से प्लस करेंगे तो 273 आ जाएगा। और यहाँ पे ये आइस पॉइंट था, अब स्टीम पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री पे आपका पानी उबलने लगता है, तो 100 डिग्री में हम 273 को ऐड करेंगे तो 373 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा ऊपर 100 बचेगा और नीचे 373 बचेगा, है ना। अब ये हम लोगों का ये आ गया एफिशिएंसी, अब हमको परसेंटेज में बताना है, तो इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 करने पे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी आपकी वही एफिशिएंसी होगी परसेंटेज में। तो हम लोग अगर बात कर लें कितना परसेंट होगा, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36 का जो हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 26.8%। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगा आंसर, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड ऑन कर्व्स सो डैट ऑप्शन ए नो फ्रिक्शनल फोर्स मे बी प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन बी द ट्रेन मे नॉट फॉल डाउन इनवर्ड, ऑप्शन सी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मे बी ऑब्टेंड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द ट्रैक, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसमें बोला जो नहीं, जब ट्रेन जब मुड़ती है किसी एंगल से, तो उसमें उस जगह जो पटरी है थोड़ी सी झुकी हुई क्यों होती है अंदर की ओर, तो उसी के लिए ऑप्शन आपको गिवन है, तो इसमें आपको आंसर बताना है क्या होगा, आप लोग देख लीजिए और फिर आंसर टिक कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ट्रैक। जैसा कि आप देखते हैं, जैसे ये गोल है और ये मतलब कि रोड जो है अंदर की ओर झुकी है, क्यों, क्योंकि जब आप ऐसे जाएंगे अंदर की ओर नहीं झुकी होगी और तेज़ी से होंगे तो आप सीधे चले जाएंगे, और ऐसे क्या होगा आपको अंदर की ओर थोड़ा फोर्स लग गया रहेगा तो आप बंधे रहेंगे उससे ट्रैक से, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप तेज़ी से हैं और अंदर की ओर नहीं है सीधे है, तो क्या आप जहाँ जाए तो उधर ही चले जाएंगे, ऐसे क्या आप बंधे रहेंगे, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन द टेलीकम्युनिकेशन आर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती हैं कौन सी है, तो ऑप्शन ए आपको दिया है अल्ट्रा वायलेट, ऑप्शन बी इंफ्रा रेड, ऑप्शन सी विजिबल, या फिर ऑप्शन डी माइक्रोवेव्स। तो
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, माइक्रोवेव्स। बहुत से लोगों का अगर इंफ्रा रेड आ रहा होगा तो बता दूँ ये आप लोग टेलीविजन की रिमोट में यूज़ करते हैं इंफ्रा रेड, ठीक है। और इंफ्रा रेड जो रेज होती है ना उसमें हीट भी होती है, ठीक। बस एक यही एक ऐसी रे है जिसमें हीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 जो बोला है, मोमेंटम ऑफ ए बॉय ऑफ 60 kg वेट रनिंग एट 10 m/s इज। मोमेंटम, सीधी से बात मोमेंटम अभी बोला उसने, तो मोमेंटम का तो फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास आपको 60 kg दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको 10 दी है, और मोमेंटम पूछा है तो मोमेंटम आपका हो जाएगा 600 kg/s। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा 600 kg/s, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि हाँ वीडियो अच्छी है और शेयर करने लायक है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। व्हेन एन एरोप्लेन इज मेकिंग अ लूप पायलट डज नॉट फॉल फ्रॉम बिकॉज हिज वेट प्रोवाइड द नेसेसरी, उसका वेट क्या प्रोवाइड करता है। अभी मैंने इसे यही क्वेश्चन डिस्कस किया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी, ऑप्शन बी सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर ऑप्शन डी विस्कस फोर्स। बिल्कुल जैसे ही ट्रेन में यूज होता है वो कर्व थोड़ा सा डाउन की ओर रख दिया जाता है जिससे कि ट्रेन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है मिल सके और ट्रेन ट्रैक पे बनी रहे। ऐसे ही जब जहाज लैंड करते हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सा झुका लेते हैं, जब घुमाते हैं वो तो अपने आप को थोड़ा सा झुका लेते हैं, वो इसीलिए झुका लेते हैं कि जिससे कि उनको आसानी हो घुमाने में टर्न करने में, तो इसलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट करते हैं, ठीक है, अपने आप को बांधने के लिए। तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स जो है उनको मिलता है, प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 अ नेट फोर्स ऑफ 350 N एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 70 kg विच इज इनिशियली एट रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन इज m/s². आपको बोल रहा है कि फोर्स आपको 350 N दिया हुआ है और मास 70 kg दिया है और इनिशियली वो अभी क्या है रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपसे पूछ रहा है, बताना है। 350 N का वो फोर्स दिया हुआ है, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स दिया हुआ है, मास आपको 70 दिया हुआ है और आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। 0 से 0 गया, 7 × 5 = 35 होता है, मतलब कि 5 m/s² आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी था फॉर्मूले एकदम बस लगाने, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे तो शायद आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी अपने आने वाले एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 sources ऑफ साउंड आर सेट टू बी इन रेजोनेंस व्हेन, दो सोर्सेस हैं साउंड के, उनको हम रेजोनेंस कब कहेंगे। ऑप्शन ए दे लुक लाइक सिमिलर, ऑप्शन बी दे प्रोवाइड साउंड ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन सी दे आर सिचुएटेड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और ऑप्शन डी दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम सोर्स। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे प्रोड्यूस साउंड ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी। जब कोई दो साउंड सेम फ्रिक्वेंसी से अगर प्रोड्यूस की जा रही है तो उनका वो क्या होते हैं, वो रेजोनेंस कहलाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज वी गो अप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, देन इन गोइंग बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट, ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेंस कॉन्स्टेंट, ऑप्शन डी डिक्रीज देन इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी जो छोटा जी है स्मॉल जी, तो वो अगर हम लोग अर्थ से ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज होता है और अर्थ के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, और आपको इंक्रीज डिक्रीज रिमेंस कॉन्स्टेंट या डिक्रीज देन इंक्रीज दिया है। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपको और कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, कि आप ऊपर जाओगे तो भी कम होगा, नीचे जाओगे तो भी कम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज, आप अर्थ के नीचे भी जाओगे तो भी जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम ही होगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि पूरे YouTube चैनल पे मैं कई बार ढूंढा हूँ कि फिजिक्स के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट मिल जाए, लेकिन नहीं मिलते हैं इंग्लिश में, और उम्मीद करता हूँ कि दूसरों तक ये पहुँचे कि जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है जो लास्ट वाला है वो ये है कि ओजोन लेयर जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में
विल प्रिवेंट क्या करती है, जो ऑप्शन ए दिया है प्रिवेंट इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम सन, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेस रिफ्लेक्टेड, या ऑप्शन सी प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेस फ्रॉम सन, या ऑप्शन डी रिफ्लेक्ट बैक रेडियो वेव्स। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेस फ्रॉम सन, जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं उनको क्या है धरती पे आने से रोकता है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए हार्मफुल होती है, अगर ये आ जाए तो इससे हम लोगों स्किन कैंसर जैसी परेशानी होती है। तो ओजोन लेयर इसी चीज़ को जो है पृथ्वी पे आने से रोकता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आप आगे भी हम ऐसी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रख पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।